मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल में शामिल किए गए नए मंत्रियों से कहा कि वे ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामलों से दूर रहें। बुधवार देर रात नए और पुराने सभी मंत्रियों को संबोधित करते हुए योगी ने कहा, भ्रष्टाचार पर हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है और यदि कोई इसमें लिप्त पाया गया तो हम कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के पहले और बाद में नजरबंद और गिरफ्तार किए गए नेता फिलहाल बाहर नहीं आ रहे। नजरबंद किए गए नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं। खिलाफ एक्शन जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने दो व्यापारियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई की है। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने दो मावा व्यापारियों लोचन सिंह और मुश्ताक अली के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की है। लोचन सिंह ग्वालियर और मुश्ताक अली भोपाल के रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में भले ही वक्त है मगर सरगर्मियां अभी से शुरू हो गई हैं। राजनीतिक दलों की ओर से कैंपेनिंग की भी तैयारी की जा रही है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक दूसरे पर अपने पार्टी कैंपेन की नकल करने का आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए ONN न्यूज के साथ।